अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज रात इधर अपने गांव में जो मुकर्रर किए जाते हैं थानों की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से पहरेदार, उस पे आई ड्यूटी है जी। दो या तीन साथी और भी थे लेकिन मेरे साथ नहीं है, शायद गांव के किसी और कोने में होंगे। तो आपको बताने का मकसद ये है कि गांव देखें आप, पूरा सुनसान, कोई यहाँ पे जो लाइट वगैरह है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, कोई कंसेप्ट नहीं है उनका यहाँ पे। कुत्तों की आवाज़ें भी आ रही हैं, तो अकेले बंदे के लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है पैरा वगैरह देना। ये डॉगी है जी। लोगों के घरों में अगर आप देखें तो लाइट्स किसी हद तक ऑन है। ये चारपाई बाहर पड़ी है जो दिन को लोग यहाँ बैठते हैं, बाकी मुकम्मल गुप्त अंधेरा। ये रोटावेटर पड़ा है किसी का, ट्रॉली खड़ी है जी, ट्रैक्टर वाली ट्रॉली, हल पड़े हैं किसी के, बाकी इसके अलावा जी कुछ भी नहीं है यहाँ। सिर्फ करबो जवार से कुत्तों की आवाज़ें आ रही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे जी। अंदाज़ा लगा लें आपके गांव के लोगों की जो ये हिफाजत है, जो सिक्योरिटी है, ये कितना मुश्किल होती है। इस बाज़ार में आप देखें एक लाइट है वो ऑन है, उस बाहर कार खड़ी है। इस बाज़ार में आप कह सकते हैं किसी हद तक वो जो एक लाइट की रोशनी है वो कुछ दूर तक जा रही है, इसके अलावा तो यही लगता है कि जैसे गांव में वो रात के सन्नाटे में जैसे आप कुछ कोई चुड़ैल चिमट जाएगी, अकेला आदमी, सर्दी भी और रस उसके साथ ये खूब अंधेरा। पूरा गांव आप देख रहे हैं, जहाँ भी फिर रहा हूँ मैं, कहीं भी कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है गांव में। रस्ते की अगर बात करें तो रास्ता देखें कितना ख़राब है, यहाँ पे ये सारा पानी है, टोटली रास्ता जो है ये ख़राब है। ये देखें आप कीचड़। बंदा ना बंदे की ज़ात, आदमी का नाम निशान नहीं होता। रात जैसे ही गांव में तारीकी छा जाती है तो एक तो मौसम सर्द होता है, दूसरा चूँकि गांव में ऐसी वो नहीं होती चीज़ें जो शहरों में होती हैं, होटल्स वगैरह, क्लब्स वगैरह, इसलिए यहाँ कोई शाम के बाद जो रौनक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लोग अपने कमरों तक महदूद हो जाते हैं। रास्ता देखें कितना गंदा है जी, कीचड़ की हालत देखें यहाँ से, ये इतना गंदा रास्ता है, यहाँ से दिन को भी गुजरना महाल होता है। हालत देखें जी, इस साइड पे भी देखें, इस साइड पे भी देखें कितना गंदा रास्ता है। यहाँ एक और डॉगी है जी, रात के अंधेरे में खड़ा। ये मस्जिद के बाहर अगर आप देखें तो मस्जिद के ऊपर एक लगा हुआ है बल्ब, जिसकी लाइट किसी हद तक इस बाज़ार में है तो ना होने के बराबर, लेकिन बाकी मुकम्मल गांव के निस्बत। एक पीछे आपको बल्ब दिखाया था और एक ये है जिसकी लाइट किसी हद तक है। तो अभी ये एक साहब हैं
जो इधर मेरे पास आकर खड़े हो गए थे, गांव का ही एक लड़का था। बाकी ये देखें, ये शॉप है जी, ये बंद है। वो जो मैं आपको बता रहा था कि रात को गांव में कोई रौनक वगैरह नहीं होती है, ये शॉप है, ये बंद है। इधर एक और इसके सामने शॉप है, ये देखें, ये भी बंद है। पूरे गांव के इर्द गिर्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुत्तों की आवाज़ें आती हैं। अगर ओ एक मेरे पीछे आ गया, ये देखें जी, ये एक मेरे पीछे आ गया डॉगी। अच्छा जी, अल्लाह मालिक तेरा। कुत्ता तो फिर कुत्ता होता है जी। ये रास्ता देखें जी, पूरे गांव में आप जहाँ मर्जी फिरते रहें, ये पानी आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। ये वो जो पहाड़ों में होती है ना, ऊपर से नीचे जो पानी के धारे बह रहे होते हैं, कुछ ऐसा ही मंजर इधर भी है। ये देखें जी, यहाँ पर शदीद पानी, अब यहाँ तो पानी के दरमियान से गुजरना पड़ेगा जी। बाहर हैं जानवर, कुछ लोगों के भैंस वगैरह। आवाज़ लगाई है जी कि पहरेदार इधर कुत्ते आ गए हैं जी, कुत्ते आप सुन लें जी, कुत्तों की आवाज़ें ये सामने हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ से आप गांव से बाहर निकल जाते हैं, वो एक इधर से निकल आया है। तो रात को गांव में आपको कुत्ते ज़्यादा और आदमी कम दिखाई देते हैं, इनके कोई एक आधा आदमी ही आपको मिल जाए तो, वरना टोटल यहाँ पे जो है वो यही सब। ये रहा जंप, ये ईंटें बाहर पड़ी हैं जी। यही विज़िट आपको इंशाल्लाह दिन के वक्त भी कभी पूरे गांव का करवाऊंगा। पहले थोड़ा सा आपको विज़िट करवाया था एक दफ़ा रात का, सॉरी दिन का विज़िट। ये यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल वाले हैं, ये अपने घर दाखिल हो गए हैं जी। अच्छा, जो घर दाखिल हो जाता है उसका तो अंदाज़ा होता है कि गांव का ही बंदा है कोई। तो ठीक है जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि आपको भी सिवाय कुत्तों की आवाज़ के कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, और दिखाई तो क्या देना है खैर, क्योंकि पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। बिजली है लेकिन चूँकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का इंतज़ाम नहीं होता गांव में, यहाँ भी जो कुत्ता बाहर बैठा हुआ है जी, तो इसलिए यहाँ पे घूप अंधेरा होता है। आपको भी चूँकि कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो बस ये कुत्तों की आवाज़ें हैं और अंधेरा है और मैं हूँ और मेरी आज पहरे की बारी है। तो मैं पहरा देता हूँ जी, आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। मज़ीद अगर कुछ आप कहना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।